हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का थिंक एंड ग्रो रिच समरी सीरीज के वीडियो नंबर 3 में। और इस वीडियो में आज हम चैप्टर 8 से समराइज करने वाले हैं। यदि आपने पहले के सातों चैप्टर्स की समरी नहीं सुनी है तो मैं उन वीडियोज की लिंक आपको ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर भी सुन सकते हैं। चैप्टर 8, परसिस्टेंट। परसिस्टेंट यानी जिद, दृढ़। जब तक आपके अंदर कुछ करने की जिद नहीं होगी तब तक आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। बट आप स्टार्ट करिए, भले ही आप धीरे धीरे काम करें परंतु अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चलें। काम करने से पहले आपको यह डिसाइड करना होगा कि आपको पहुंचना कहाँ है, आपकी मंजिल क्या है, आप ज़िंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं। क्योंकि यदि आपने कोई गोल सेट किया है, कोई मंजिल सेट किया है, तो उसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। और वो मेहनत करने के लिए आपको मोटिवेशन तभी मिलेगी जब आपको पता होगा कि आपको किस मंजिल तक पहुँचना है। और अपने आप पर यकीन रखिए कि आप इतने काबिल हैं कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। आपके अंदर वो स्किल है, वो नॉलेज है जो आपको सक्सेसफुल बना सकती है। और इसके लिए एक सही प्लान तैयार करें, और जो लोग भी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने में मदद करने वाले हैं उन सभी के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाएं, उन सभी के साथ बहुत ही अच्छे से बात करें, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। और यह सब करने से पहले भी ज़रूरी है कि आप अपने मन के डर को भगा दें, क्योंकि यदि आप डर जाएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। रियलिटी में सफलता पाने से पहले आप अपने दिमाग में सक्सेसफुल हो चुके होते हैं। इस दुनिया में न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो एक बड़े ब्रेक के इंतजार में बैठे हैं। उनकी फर्स्ट जॉब या कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी, उनके लिए यह बड़ा ब्रेक हो सकती है। लेकिन ऐसे लोग हमेशा डिसअपॉइंटेड ही रहते हैं, क्योंकि बड़ा ब्रेक पाने के लिए उतने ही एफर्ट्स भी करने पड़ते हैं। यह सब अचानक ही नहीं मिल जाता। और यदि सच में आप उस बिग ब्रेक को पाना चाहते हैं तो आपको एक प्लानिंग करनी होगी और उसी प्लानिंग के हिसाब से चलना होगा। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपनी स्ट्रांग डिजायर और खास प्लान से यह मौका पाया होगा मगर सफल नहीं हो पाए। पर ऐसा क्यों कि वो लोग सफल नहीं हो पाए? क्योंकि उन्होंने बहुत ही जल्दी गिवअप कर दिया। एक दो बार फेल होने के बाद ही उन्होंने हार मान ली। यदि आप लाइफ में सफल होना चाहते हैं तो आपको नेवर गिवअप एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ना होगा। ज़िंदगी आपको ज़मीन में उठाकर पटक देगी, परंतु आपको उठकर खड़ा होना है और एक बार फिर से लड़ना है। लोग फेल हो गए क्योंकि उन्होंने एक बार में ही हार मान ली और प्लान ही छोड़ दिया। हार का एक ही जवाब है, और वह यह है कि आगे बढ़ते रहना। कई बार तो ऐसा लगता है कि कोई छुपा हुआ गाइड हमें परखने के लिए ही हमारे रास्ते में बहुत सारी रुकावटें डाल देता है। भगवान भी किसी को सब कुछ नहीं देते हैं, वह किसी को कुछ देने से पहले चेक करते हैं कि क्या वह इसके काबिल है भी या नहीं। जब आप बिना रुके लगातार आगे बढ़ने की आदत बना लेते हैं तो हार कभी भी आपके रास्ते की रुकावट नहीं बनेगी। फिर जो कुछ भी आपने सोचा है उसे पूरा करके ही रहेंगे। स्टेप 9, पावर ऑफ मास्टरमाइंड। आज के समय में नॉलेज सबसे पावरफुल वीपन है। नॉलेज का यूज करके हम इस दुनिया को बदल सकते हैं, मगर हम सिर्फ नॉलेज के दम पर अमीर नहीं बन सकते। हम अपनी नॉलेज को पावर तभी बना सकते हैं जब इसका सही से इस्तेमाल करें। मास्टरमाइंड ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो आपकी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं ताकि यह आपकी पावर बन सके। इस ग्रुप में सारे लोग आपके जैसे ही होते हैं। हर किसी का एक ही गोल होता है, जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं वहाँ तक वो सारे लोग भी पहुँचना चाहते हैं। तो जब सभी का गोल एक होता है तो उसको अचीव करना भी आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बैटरी थोड़ी सी एनर्जी देगी, परंतु जब हम ऐसी बहुत सारी बैटरी जोड़ देंगे तो हमें बहुत सारी एनर्जी मिल जाएगी। इसी तरीके से जब आप अपने ग्रुप में अकेले होते हैं तब हम उतना नहीं सोच पाते हैं, परंतु हमारे साथ हमारे जैसे ही और लोग होते हैं तो हमारी ताकत कई गुना बढ़ जाती है और हम नए नए आइडियाज पर भी काम कर सकते हैं। और इन लोगों की मदद से आप अपनी कमजोरियों को भी दूर कर सकते हो। और अगर हम हेनरी फोर्ड की बात करें तो हेनरी फोर्ड भी अपनी कॉरपोरेशन बनाने से पहले एक गरीब और अनपढ़ इंसान थे, लेकिन उन्होंने एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाया, अपने साथ 50 ऐसे लोगों को रखा जो बिजनेस करना चाहते थे, जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे। उन्होंने थॉमस एडिशन के साथ भी दोस्ती रखी। फोर्ड ने अपने इन दोस्तों के साथ बहुत मिलनसार और सहयोगी रिश्ता बनाए रखा, और अपने इसी मास्टरमाइंड ग्रुप की वजह से वह एक अमीर इंसान और इतने बड़े बिजनेसमैन बन पाए। और वह 25 साल के बाद अपने देश के सबसे अमीर आदमी बन चुके थे। एक मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ जुड़ने से अनेक फायदे हैं, जैसे इकोनॉमी एडवांटेज, और साथ में आपकी मानसिक ताकत भी बढ़ती है। जब दो दिमागी ताकतें आपस में मिलती हैं तो एक बहुत बड़ी ताकत जनरेट होती है। और जब आपके साथ 50 लोग होंगे, जब आपके साथ 50 दिमाग एक साथ काम करेंगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा पावर आने वाली है और आप सफलता को छूने वाले हैं। अगर हम इसे कम शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि एक दिमाग से बेहतर हैं दो दिमाग। अगर ग्रुप के लोगों के बीच अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है तो वे मिलकर किसी भी इंडिविजुअल से ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। पर यह सभी कुछ करने के लिए आपको रिलेशन बनाने होंगे। आपको हर किसी के साथ अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप रखना होगा, किसी के बीच में भी कोई मनमुटाव ना हो। सभी लोग अपने ग्रुप के लोगों का सम्मान करें और उनकी तारीफ करें। हर कोई एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दे, उनको सराहे और उनको और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए प्रयास करें। स्टेप 10,
द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। अब यहाँ पर एक वर्ड आता है ट्रांसम्यूटेशन। ट्रांसम्यूटेशन क्या है? ट्रांसम्यूटेशन एक प्रोसेस है जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है। इस चैप्टर में ह्यूमन माइंड की 10 स्टिमुली को डिस्क्राइब किया गया है। नंबर 1 द डिजायर फॉर सेक्स एक्सप्रेशन, नंबर 2 लव, नंबर 3 अ बर्निंग डिजायर फॉर फेम पावर फाइनेंशियल गेन एंड मनी, नंबर 4 म्यूजिक, नंबर 5 फ्रेंडशिप बिटवीन दोज ऑफ द सेम सेक्स और दोज ऑफ द अपोजिट सेक्स, नंबर 6 अ मास्टर माइंड अलायंस बेस्ड अपॉन द हारमनी ऑफ टू और मोर पीपल हु हेल्प देमसेल्व्स फॉर स्पिरिचुअल और टेम्पोरल एडवांसमेंट, नंबर 7 म्यूचुअल सफरिंग सच एज दैट एक्सपीरियंस्ड बाय पीपल हु आर परसिक्यूटेड, नंबर 8 ऑटो सजेशन, नंबर 9 फियर, नंबर 10 नारकोटिक्स एंड एल्कोहल। एंड सेक्स इंसान की सबसे पावरफुल स्टिमुली होती है। सेक्स ट्रांसलेट का मतलब है कि हम अपनी इस एनर्जी को कई और प्रोडक्टिव कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस एनर्जी में बहुत ही ज़्यादा पावर होती है। क्रिएटिविटी एंड बिजनेस के लिए सेक्स एनर्जी का बेहतरीन इस्तेमाल हो सकता है। यह एक नेचुरल चीज़ है, यह ह्यूमंस की सबसे बड़ी ज़रूरतों में शामिल है और हमें इसे मुँह मोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसे काबू में नहीं किया गया तो यह डिस्ट्रक्टिव वीपन बनकर सामने आ सकता है, लेकिन अगर इसे विल पावर की तरह इस्तेमाल किया जाए तो बहुत कुछ किया जा सकता है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, चाहे वह म्यूजिशियन हो, आर्टिस्ट हो, बिजनेसमैन हो या फिर किसी और फील्ड के सक्सेसफुल पर्सन, सभी ने अपनी इस एनर्जी का इस्तेमाल किया है। अपनी इस एनर्जी का यूज करके उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाया है। माइंड स्टिमुली करने के कई तरीके हैं जो मैंने आपको ऊपर 10 स्टेप्स में डिस्क्राइब कर दिया है, जैसे शराब, ड्रग्स या फिर आपके मन का डर, लेकिन सब में सेक्स ही सबसे पावरफुल है। जो इंसान इस पर कंट्रोल नहीं रख पाता है वह अक्सर गरीबी, बदहाली और अनसक्सेसफुल होकर ही जीता है, पर जिसने इस एनर्जी का सही इस्तेमाल किया है, इसकी पावर को सही तरीके से यूटिलाइज किया है, वह एक जीनियस बनकर उभरा है, क्योंकि इसकी एनर्जी में बहुत ही ज़्यादा पावर होती है और इसकी एनर्जी से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। पर हमें इस एनर्जी का सही तरीके से यूटिलाइज करना आना चाहिए। जीनियस इंसान किसी प्लेन के पायलट जैसा होता है, पहाड़ों और पेड़ों के ऊपर से जाता है, ऊंची उड़ाने लगाता है। सेक्स और खाना हमारे जीवन में ऊंचे पहाड़ों और पैरों की तरह हैं। एक जीनियस इन डिस्ट्रैक्शन को पार करके खुद को आज़ाद कर लेता है और अब वह अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन को बेहतर इस्तेमाल करके खुद के लिए तरक्की के रास्ते खोल सकता है। हम अपनी इस क्रिएटिव इमेजिनेशन को सिक्स्थ सेंस की तरह यूज कर सकते हैं। जितना ज़्यादा हम इसे यूज करेंगे यह उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। क्रिएटिव इमेजिनेशन की प्रैक्टिस से सक्सेसफुल लोग और ज़्यादा समझदार और प्रोडक्टिव बनते चले जाते हैं। तो क्रिएटिव इमेजिनेशन की पावर को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, यह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। जितने भी गाने, कविताएं या नॉवेल हैं उन सभी में लव और सेक्स का ही जिक्र है। अपने अंदर का करिश्मा और कॉन्फिडेंस आपकी सेक्स अपील से ही झलकता है। आप किसी भी आर्टिस्ट या बिजनेसमैन को देखिए, आप खुद समझ जाएंगे। आप भी अपने अंदर के इस पोटेंशियल को अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन के लिए यूज करें। अपनी सेक्सुअल एनर्जी को बाहर निकालने के लिए कोई ऐसा जरिया ढूंढें जो कुछ क्रिएटिव हो, ना कि उसे सिर्फ शरीर की भूख समझ कर शांत करते रहें। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपके दिमाग में कितनी शक्ति है और इसका कोई अंत नहीं है। इसलिए इसे खुद को महान बनाने के लिए लगाइए और साथ ही अपनी सेक्सुअल एनर्जी के एडवांटेजेस से अपने करियर को नई ऊंचाइयों में ले जाइए और अमीर बनिए। स्टेप नंबर 11 द सबकॉन्शियस माइंड। हमारा माइंड दो भागों में बटा हुआ है, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे काबू में नहीं होता है, लेकिन यही वह हिस्सा है जो हमारी सारी भावनाओं और फैसला लेने की ताकत को कंट्रोल करता है। हमें बस इतना करना है कि हम अपने मन को हमेशा पॉजिटिव विचारों से भरा रखें और धीरे धीरे यही पॉजिटिव विचार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठते चले जाएंगे। यह एक तरीका है जो धीरे धीरे हमें सफलता की ओर ले जाएगा। अपने सबकॉन्शियस को इम्प्रूव करने के लिए अपने दिमाग में यकीन, प्यार, सक्सेस, जोश, रोमांस और उम्मीद से भरे ख्याल लाएं। हमेशा पॉजिटिव सोचें और कभी भी अपने दिमाग में बेकार का डर, किसी से नफरत, जलन या बदले की भावना जैसे बेकार के विचार ना लाएं। कोशिश करें कि निगेटिव विचार आपके दिमाग में आए ही ना। निगेटिव सोचने से आपको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी और ना ही आप अमीर बनेंगे। निगेटिव सोचने से हम अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारा दिमाग सही से काम नहीं करता है। इससे आप और ज़्यादा गरीबी के दलदल में डूब जाएंगे। अभी आपके पास अपना खुद का एक पर्सनल प्लान है जिसके दम पर आप सफलता पा सकते हैं। आप जानते हैं कि आप अमीर कैसे बन सकते हैं, हालांकि वह प्लान अभी आपके सबकॉन्शियस में बंद पड़ा हुआ है। उस तक पहुंचने के लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में निगेटिव विचारों से छुटकारा पाना होगा और पॉजिटिव विचारों को लाना होगा। पहले पॉजिटिव ख्यालों को अपने दिमाग में लाने की कोशिश कीजिए ताकि आप इसे और बेहतर समझ सकें। हालांकि मैं मानता हूं कि ये इतना आसान नहीं है और आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, परंतु यह छोटे छोटे स्टेप्स ही हमें सफलता की तरफ ले जाते हैं। हर दिन छोटी छोटी बातों से शुरुआत करें।
अपनी चाहतों को प्यार, सेक्स, उम्मीद, रोमांस, जोश और खुशियों को अपनी आदत बना लें और लालच, गुस्से, जलन और बदले की भावना से छुटकारा पाएं। और हर किसी से प्यार करना सीखें, हर किसी को कॉम्प्लीमेंट दें और हर किसी के साथ अच्छा रिलेशन बनाकर रखें। स्टेप 12, द ब्रेन। इंसानी दिमाग दुनिया का सबसे पावरफुल मशीन है। इसे सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइस दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे विचारों की ताकत का हमारी सफलता में एक बहुत बड़ा हाथ होता है। जो भी 13 स्टेप्स या बताए गए हैं उनके बारे में सोचकर अपने सफर की शुरुआत कर सकते हैं। आपकी इच्छा से लेकर आपकी इमेजिनेशन और आपके परसिस्टेंट तक हर चीज़ की प्लानिंग अपने दिमाग में करके रख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे दिमाग में सेरिब्रल कॉर्टेक्स में 10 से लेकर 14 बिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। इससे मज़ेदार बात यह है कि सारी सेल्स एक खास तरीके से ऑर्डर के हिसाब से अरेंज हैं। नर्व सेल के अरेंजमेंट का तरीका हम इंसान को फिजिकली और मेंटली काम करने लायक बनाता है। हमारे इमोशनल और मेंटल स्टेट के लिए भी हमारा दिमाग ही जिम्मेदार होता है। यह बिल्कुल सच है कि हम वाकई में सोचने की ताकत से अमीर बन सकते हैं। अपने दिमाग में पॉजिटिव विचारों को भरकर हम अपने लिए अच्छे मौके खुद ही खोज सकते हैं। अपने जुनून को हम असलियत में उतार कर अपने सपने पूरे कर सकते हैं। हमारे अंदर वह पावर है कि हम तुरंत फैसले भी ले सकते हैं और हारने पर फिर से कोशिश भी कर सकते हैं और अपनी सेक्सुअल एनर्जी का इस्तेमाल अपनी क्रिएटिविटी निकालने के लिए भी कर सकते हैं। और यह सब हमारे इस छोटे से दिमाग के अंदर ही हो सकता है। अगर आप रोज़ खुद को प्रेरित करने की प्रैक्टिस करें तो अपनी नॉलेज और अपने पोटेंशियल दोनों को बढ़ा सकते हैं। और सफल होने के लिए आपको यही तो चाहिए, नॉलेज और पोटेंशियल। यही तो चीज़ें आपको चाहिए हैं सफलता पाने के लिए। अपने दिमाग के साथ बाकियों के दिमाग की ताकत का इस्तेमाल करके भी आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। मेंटल टेलीपैथी मुमकिन चीज़ है अगर आप अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ मिलकर इस पर बारीकी से काम करें तो। इसके लिए आपस में डिस्कस करें जिससे आप अपने विचारों को दूसरों के साथ बैठकर एक सिंगल ब्रेन की तरह सोच पाएं। इस्तेमाल करें अपने ब्रेन की पावर का। जो कुछ भी आपने इस समरी से सीखा है रियल में अप्लाई करने की कोशिश करें और उसे अपनी आदत में शुमार कर लें। आप चाहें तो किसी भी चैप्टर में जाकर फिर से बातों को दोहरा सकते हैं। उन स्टेटमेंट को दोहराइए जो आपको मनी कॉन्शियस बनाएंगी। आप अपनी फाइनेंशियल सक्सेस से अब ज़्यादा दूर नहीं हैं। स्टेप 13, द सिक्स्थ सेंस। अमीर और सक्सेसफुल बनने के लिए 13 स्टेप्स का आखिरी स्टेप है सिक्स्थ सेंस। जब तक आप बाकी के 12 स्टेप्स में महारत हासिल नहीं करेंगे तब तक आप इस सिक्स्थ सेंस तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए मेरी राय आपसे यही है कि पहले आप इन 12 स्टेप्स को बहुत ही अच्छे से समझें। यह सिक्स्थ सेंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड का ही एक हिस्सा है जो हमारी क्रिएटिव इमेजिनेशन को संभालता है। यही हमें दुनिया की इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से भी जोड़ता है। कभी कभी हम विचारों को अपने दिमाग में फ्लैश की तरह देखते हैं। हम इसे हंचेज कहते हैं। ऐसा तब होता है जब हमारी सिक्स्थ सेंस काम कर रही होती है लेकिन इसे हर कोई महसूस नहीं कर सकता। बहुत गहरे से ध्यान लगाने से ही हम इसे महसूस कर सकते हैं। जितने भी महान लोग हुए हैं जैसे थॉमस एल्वा एडिसन, अब्राहम लिंकन आदि, सभी अपने सिक्स्थ सेंस का यूज करके ही महान बन पाए। अपने इन्हीं हंचेज से उन्हें कुछ बड़ा काम करने की मोटिवेशन मिलती रही। यह सिक्स्थ सेंस हमारी मेंटल और स्पिरिचुअल स्टेट दोनों को जोड़ती है। यह एक मीडियम की तरह काम करती है जो हमारे दिमाग को इस अनंत ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट करता है। हमारी सिक्स्थ सेंस न केवल हमें क्रिएटिव आइडियाज़ देती है बल्कि कई बार आने वाले खतरों का भी इशारा करती है। इनफाइनाइट इंटेलिजेंस वह पावर है जो दुनिया की हर चीज़ के एटम में होती है। उसके अंदर पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी समाई होती है। यही वो शक्ति है जिससे पानी हमेशा नीचे की ओर ही बहता है और रात के बाद दिन निकलता है और सर्दी के बाद गर्मी आती है। इसी वजह से ब्रह्मांड की हर एक चीज़ एक दूसरे से किसी न किसी रूप में कनेक्ट है। हम भी अपनी सिक्स्थ सेंस की प्रैक्टिस करके खुद को इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के साथ जोड़ सकते हैं। जैसा कि सभी जीनियस करते हैं हम भी अपने सपनों को मटेरियल फॉर्म में हकीकत बना सकते हैं, क्योंकि हम इंसानों के पास ही सपने होते हैं, इच्छा होती है जो हमारे दिमाग को डोमिनेट करके रखती है। हम अपनी हार या जीत से खुश हो सकते हैं और अपने सोचने की पावर से सफलता हासिल कर सकते हैं। सफलता का रास्ता हमारे सपनों से शुरू होता है। जैसे जैसे आप इन 13 स्टेप्स पर आगे बढ़ते जाएंगे आपको विजडम मिलता जाएगा। अपनी सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि खुद को और दूसरों को जाने। आखिर में एक सक्सेसफुल आदमी इस लॉज ऑफ नेचर और खुशियों के तरीके को समझ सकता है। हम फिर कहते हैं कि आप जब चाहें इन 13 स्टेप्स को दोहरा सकते हैं ताकि माइंड स्टिमुलेशन के हाई लेवल को आप पा सकें। और लास्ट चैप्टर में हम सीखेंगे कि डर को अपने मन से कैसे दूर किया जाए, क्योंकि जब तक आप इस डर को दूर नहीं करेंगे आपको एक लिमिट में बंद कर ही रहना पड़ेगा। और बिना इस डर को जीते आप अमीरी की राह पर अपने कदम नहीं बढ़ा सकते। डर के छह भूतों को अपने मन से कैसे भगाएं? कुछ ऐसे छुपे हुए दुश्मन होते हैं जो हमें दौलतमंद नहीं बनने देते, और वो दुश्मन हैं असमंजस, शक, चिंता और निगेटिव विचार। इनमें से एक भी ख्याल आपके मन में है तो बाकी खुद ही आ जाते हैं। जब तक आप इनसे लड़कर इन्हें दूर नहीं करेंगे या आपको तंग करते रहेंगे और आपको कभी भी अमीर नहीं बनने देंगे।
कभी हाँ कभी ना और खुद पर यकीन ना होने से हमारे अंदर एक अजीब सा डर पैदा होता है। हम यहाँ आपको ऐसे ही 6 बेसिक डरों के नाम बता रहे हैं, जैसे गरीबी का डर, आलोचना का डर, खराब सेहत का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर। इनमें से हर डर हमारी काबिलियत को कम कर देता है, उसे एक लिमिट में बांधने लगता है, मगर असलियत में यह सभी डर सिर्फ हमारे दिमाग की उपज हैं और कुछ नहीं। इसका सीधा मतलब है कि इस डर पर काबू पाया जा सकता है। एक ऐसी चीज़ जिस पर पूरी तरीके से हमारा कंट्रोल है वह है हमारे विचार। जैसे ही कोई ख्याल हमारे दिमाग में आता है तो उसी वक्त फिजिकल हो सकता है, यही सबसे बड़ी पावर है। जो ख्याल आपके दिमाग में घूम रहे होते हैं वह आपकी सोशल, प्रोफेशनल और फाइनेंशियल डेस्टिनी बन जाते हैं। जब आप लगातार बीमारी के बारे में सोचने लगते हैं तो सच में आप बीमार पड़ने लगते हैं। ऐसा आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा। इसीलिए तो कहते हैं कि हमें अपनी विल पावर स्ट्रांग करनी चाहिए। कुछ लोग दूसरों के मुकाबले ज़्यादा सुपीरियर और किस्मत वाले लगते हैं क्योंकि उनकी थिंकिंग भी उसी तरीके से होती है, क्योंकि वो भी अपने आप को हमेशा सुपीरियर और लकी मानते रहते हैं। खुद को लकी और बेहतर समझते हैं तो बाकी भी उन्हें ऐसे ही देखते हैं। जैसे हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते चले जाते हैं। जब कोई आपकी आलोचना करे तो उसे दिल पर ना लें। अपनी विल पावर को क्रिटिक्स से कमज़ोर ना होने दें। उन रिश्तेदारों की बिल्कुल भी ना सुनें जो आपसे कहते हैं कि आप यह नहीं कर सकते। क्रिटिक्स की बातों पर ध्यान देने से आपकी इमेजिनेशन तो बर्बाद होगी ही, साथ ही आपके कॉन्फिडेंस को भी कम कर देगा और इंडिविजुअल तौर पर आपकी काबिलियत उभर कर नहीं आ पाएगी। इसीलिए अपने कान बंद कर लीजिए ताकि आप उन बातों को सुन ही ना सकें जो आपको डिमोटिवेट करती हों। अपने दिमाग के सब दरवाजे उन लोगों के लिए बंद कर लें जो आपको हर वक्त डिस्करेज करते रहते हैं या फिर डिमोटिवेट करते रहते हैं। खुद को हर चिंता से दूर रखें। ये कभी न सोचें कि लोग क्या सोचेंगे। बुढ़ापे और मौत की हकीकत को स्वीकार करें, यह एक दिन सबको आएगी। अगर आप प्यार खोने से डरते हैं तो खुद से प्यार करना सीख लें। ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से आपको चिंता करनी पड़े। तो यहीं पर समाप्त होती है हमारी इस बुक की भी समरी। तो आपको ये समरी कैसी लगी अपना रिस्पॉन्स कमेंट सेक्शन में दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।